हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और आज न्यू का मतलब एकदम न्यू ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं एकदम रेडी। आज हलचल है कुछ ज्यादा, संडे का है, दिन स्पेशल है, कुछ खास है। हम हैं आज लड़के वाले और हम जा रहे हैं रोका सेरेमनी में। तो हम जा रहे हैं एक रोका सेरेमनी में। बाल बच्चे सब रेडी हैं और सब आज सबकी छुट्टी भी है, तो स्पेशल डे होने वाला है। सब बहुत एक्साइटेड भी है। चिंकी, गुड्डू, आरुष, आरुषी, नंदनी, ये सब बहुत, इनका एक्साइटमेंट जो है एक अनदर लेवल का है आज। तो बहुत जल्दी ये रेडी हैं, हम सबसे पहले भी हमारी वेट कर रहे हैं। तो भाई, हम जिसकी रोका सेरेमनी में जा रहे हैं वो ये नहीं है। ये नहीं है वो, और ना ही वो दूसरा है, और ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। वो हाथ नहीं लग रहा, मुझे लगा है उसकी खुशी भी आज अनदर लेवल पे है बिल्कुल। और वो मिलेगा तो दिखाएंगे भाई, वो बहुत ही कम हाथ लग रहा है। उससे ज्यादा अभी जो है, अभी गुड्डू चिंकी सबसे पहले रेडी है। और हमारी आज पार्टी में कुछ नेताजी लोग भी है। पार्टी का बाद में नाम खोल लेंगे, अभी तो ये अराजनैतिक है अभी तो। और यहाँ पे अरविंद भी तैयार है और सब तैयार ही हैं लगभग अभी तो। फिलहाल एक आध जना रह रहा है जो लेट लतीफ रहता ही है, गगन नहीं हुआ ना रेडी अभी, हो गया तो सब रेडी हैं। सोनिया भी यहाँ काफी देर के आ रही है, और भाई मेहमान जी भी। और ये है वो, अभी बातचीत ऐसी कर रहे हो किसी के साथ भी आज, अभी भी बिजी है। तो ये है वो लड़का जिसकी है रोका सेरेमनी, और इस रोक के आवेंगे हम, इधर से ही जा रहे हैं। और आज इसकी रिंग सेरेमनी जो भी है, मतलब वो शादी से पहले का जितना भी प्रोग्राम है वो होने वाला है। तो फिलहाल बस अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, और कौन किसके साथ बैठेगा ये डिसाइड अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जिसकी जहाँ सीट मिलेगी, पहले पाओ के आधार पे सीटों का वितरण होगा। चिंकी अपनी सीट ले ली है, क्योंकि भाई भीड़ तो होने वाली है। गाड़ी तो दो जा रही है ना, तो दो जा रही है, तो आदमी तो बहुत है। तो इसलिए तो भाई सब बालक बच्चे जो है झपट भाग के बैठ लिए, ये सोच रहे भाई कभी सीट मिले या ना मिले। तो अपनी अपनी सीट जो है सबने ग्रहण कर ली। अब हम देखेंगे कहाँ नंबर आवेगा हमारा। है कटड़े को बाय कर रही ये तो नहीं करा जब भी कहीं जावे, टेंशन ना लिए, बारात में ले चलेंगे। तो गौरव भाई चल रहे हैं, जैसा बड़ा है तो भाई कुछ फर्ज नहीं निभाने की बारी है। तो रामपाल भाई रेडी है पहला रथ लेके, ये आगे रहेंगे आज हमसे भाई। और कौन कौन बैठ लिया इसमें? चलो भाई चिंकी गुड्डू इसमें चलो तुम्हें। और कौन सा रो रहा? देखो भाई हैप्पी जर्नी शुरू हो गई है। बोल शंकर भगवान की जय। हमारी भाई बाइक से जाने की कुछ लोगों की, लेकिन फिर भाई सबका ऐसा ही मामला रहा, रिंग सेरेमनी है, कपड़े नए पहन रखे, तो धूल मिट्टी को ध्यान में रखते हुए फिर हमने जो है ये दूसरी अपनी कैब बुलाई है जो आगे जा रही है। और हमारे ये तो आप जानते ही हैं, परमानेंट कैब वाले भैया पीपन भैया, बच्चों के पीपन चाचा हैं। तो भाई एक बार और जयकारा लगाएंगे, शुभ काम पे जा रहे हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आरुषि की सीट ले ली है चिंकी ने, ये देखो चिंकी कहाँ बैठी है। ये यहाँ पे सीट फिक्स होती है आरुषि की, वो जितने भी यात्रा कर रहे हैं वो यहीं पे बैठ के कर रहे हैं। आज वो दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो गई, वो अपनी मर्जी से बैठे। सबसे पहले उन्हें कहा था भाई अपनी गाड़ी जो है वो अपने आप चूज कर लो कौन सी में बैठना है, तो वो अपनी मर्जी से बैठ गए। अब सवारी जो है एक एक्स्ट्रा हो रही थी, सबसे छोटी सवारी यहाँ पे हमारे पास में जो है वो चिंकी है, तो उसे यहाँ पे एडजस्ट कर दी। और हमारा ज्यादा लंबा सफर है नहीं, थोड़ा सी दूर का सफर है, 15 मिनट का बस। तो ब्याह जो है हमने जो तय करा वो बहुत नजदीक ही करा, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है चिंकी, बढ़िया रहेगा नहीं काम एकदम। इतनी देर में तो सुबह तेरे चाचा जी दो चक्कर लगा के सारा घुटो देते बाइक पे, दो तीन चक्कर मार देते, तीन जने लग जाते, दो दो को नहीं लो देते, दो तीन चक्कर दो चक्कर वो इतने पहले वालों के हाथ धोओ, इतने नाश्ता लगा के इतने पीछे हाल लग रहे, पहले वालों का स्वागत होता है, इतना दूसरा लोट पहुंच जाता वहाँ पे दोनों का एक साथ होगा नहीं, कुरकुरे से चक्कर आवे कोई सा चक्कर ना, फ्रूट्स खावे ना डंगर रोटी खावे, हम तो खावे कुछ और दाल साग कुछ और होगा तो भैया मान्य रखा नहीं है
हो सके फिर बाद में जावे। इस पता ले लो ना कि यो बाद में जावेगा। फोन से देखिए रमेश ये ऊपर की लाइन यहाँ से ले लेते हैं भाई मिठाई सावर या स्वीट्स अपने बुढ़ाना कस्बे के जो फेमस हैं और गाड़ी खड़ी है तो मिठाई की दुकान पे है थोड़ी सी भीड़ तो वेट करना पड़ेगा भाई हमारे यात्रियों को वे बैठे वेट कर रहे और किधर भाई साहब ले रहे हैं मिठाई सावर या स्वीट्स के यहाँ से बुढ़ाना। तो ये हो गई है मिठाई और फ्रूट्स लेने कुछ लाओ इन्हें देख रहा हूँ और फिर मैं देख रहा हूँ और क्या क्या लेना। तो भाई यात्रियों को कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ गया। लो भाई ये पकड़ियो फल लाने फल इसमें बर्फी है बालू शाही है और फल लाने हाँ 1 किलो सेब ठीक है लेते हैं कुछ फ्रूट्स भाई। और भाई साहब देख रहे हैं नु कह रहे हैं केले तो जो हैं कच्चे से हैं मगर नहीं पक्के हैं कोई बात नहीं। सेब क्या भाव है भैया? 150 लो भाई खोलो खिड़की क्या भूल गए ये चले थे हमारे से पहले जाने के लिए लेकिन इन्हें पीछे ही आना पड़ेगा ना चाहते हुए भी और हम निकल लिए इनसे आगे देखते इन्हें रास्ता नहीं पता जिन्हें रास्ता बताना भी चल रहा भाई। फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने सिमदाणे में सिमदाणा ही है हमारा अरविंद पहले आया हुआ तो भाई ढूंढ रहे हैं रास्ता और मिल गया है अभी चलो 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 साजू हैं सर मारो नमस्ते जी कितने के साथ करेंगे अपने ही है सब पर घर का मेन सदस्य क्या खा रही है बब्बू प्लेट कहाँ है जी दो तो ज्यादा ना लेने हाँ जी तुम तो सच में दो ही ले रहे नहीं दो ही ले खाना बुना सब कर पता क्या हुआ भाभी जी गई हुई है पार्लर में तैयार है उनका चूड़ा थोड़ा सा ना ढीला आ गया दीदी मैं बैग लगा लगा
होता है जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी, पर्स वगैरह टांग के रखना, अपनी बहनों की हेल्प करना, पैसों का ध्यान रखना। जैसे कि अमित भैया से छोटे यही है तो इनका फर्ज बनता है, ये अपना फर्ज पूरे तौर तरीकों से निभा रहे पूरी ईमानदारी के साथ। इसे बोले तो नहीं, ये जहाँ भी जावे ना गुड्डू जहाँ भी गए गुड्डू फोटो मार दिया मेरे दो चार गले मार दिए कुर्ते पजामे में। अच्छा ये था वो का रिंग सेरेमनी मेला जो भी कुछ हम बता रहे थे, तो ये कंप्लीट रख रखा था, सस्पेंस रख रखा था थोड़ा सा, और ये हो गया। अभी आज की जो रस्म है वो पूरी हो गई है अंगूठी पराने की, करेंगे घर चलने की तैयारी, और बहुत सारे लोग हैं हमारी तरफ से जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा हम भी निकल रहे यहाँ से। और ये देखो दोनों भाई बैठे हैं यहाँ से, अब तीसरे भाई भी पधार चुके हैं यहाँ ये बैठ के, और ये लड़की की साइड वाले पीछे लड़कों वाले हैं, सब दोनों परिवार एक ही हैं अब तो, कोई लड़की वाला कोई लड़के वाला नहीं, ये नहीं, जब रिश्तेदारी बन जाए तो दो परिवार एक हो जाए, सब एक हो जाए। चलो भाई अभी कुछ रस्म रह रही लड़की वालों की तरफ से, वो जो है चल रही उधर, और हम पीछे की साइड से देख रहे हैं आराम से सबको। चलो भाई आज तेरा पता नहीं चल रहा मुझे कहाँ है तू, कहाँ नहीं, मजे ले रहा, माई का तो नाम ले रहा तू, एंजॉय कर रहा है इसकी रिंग सेरेमनी अभी थी एंजॉय कर रहा कही यो रिंग सेरेमनी ऐसी हो गया एंजॉय, कपड़े गंदे करके सारों ने देख कर रहा ना कुछ सब कुछ, क्या हाल बना रखा सारों ने अपना, देख उसे उसके तो थोड़े से हुए गिल्ले, इसकी ना टेंशन ले। हाँ भाई मायने तरे तेरा गला सा क्या पड़ गया। इस पर ना बैठिए, इस पर ना बैठिए, इसकी बाल में मैं रोन लगूंगी, बैठ बैठ नूनू मार दे बोलते जब नूनू कर दे नंदो मारा करे तो लौट जा कर दे नहीं इसका कंट्रोल आओ राइट वाइट और उसी ले जा रही इनके भाई अभी खा ले ले भाई अभी खा ले सिर में दर्द, लेकिन नु कह रही पहले थोड़ा सा कुछ खिला दो तभी तो दवाई लेंगी, भूख लग रही, रायता वायता लिया हो कुछ, और ये इसका भाई लिया इसके लिए खाना उधर अरविंद भैया ले रहे, वैसे तो खाना वहाँ चल रहा लेकिन इन्हें बैठ कर खाने की आदत है ना। कुत्ता है नोट विनर तो भाई मारी तो विदाई की होगी क्योंकि चिंकी के हो गए सिर में दर्द एकदम तो बहुत तेज, और दवाई दे दी से आराम नहीं लग रहा है, आराम लगा घर जाके तो इसकी तबीयत खराब है, और हम बच्चों को लेकर चल दिए, प्रीति है वही, बाकी जो भी रस्में रह रही जो भी काम रह रहा विदाई की वो सब वे करके आवेंगे दूसरी गाड़ी वाले, और हम तो चल दिए, मैं माई की मम्मी पीछे बच्चे हैं, पूजा भी आ गई हमारी साथ में ही, गुड्डू भाई साहब क्योंकि इसके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा बहुत देर से सिर में दर्द है इसके, बस अब पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, पूरा तप रहा सिर बहुत ज्यादा, क्या तुमने चें चें पें पें कर रखी कुरकुरे खुआने की बहुत बढ़ रही है। चिंकी अब कैसी तबीयत, आराम है एकदम से ज्यादा हो गया है, आंखों में पानी चलने लगा था तेरे को, होंठ भी कांपने लगा इतना तेज हो गया है, तुझे सुबह नहीं तो कहते मगर तू करी रह ले बेटा, उड़ाना उड़ाना आगे, हाँ
घर पे रहती तो दवाई देने वाला भी नहीं कौन होता वहाँ। क्यों, माँ पिताजी तो है, दवाई ले लेती, हम बता देते। चाची जी से बहुत पहचाने बुढ़ाने की पहचान है। अच्छा जी, चलो नहीं नहीं बाद में लेंगे, वो स्ट्रोस में देवे। अच्छा अच्छा चलो ना जूस पियो। दीदी आप भी सबने जूस पी लिया, कैसा लगा सबको बच्चों जूस? बढ़िया बढ़िया। मम्मी कह रही, कह लगी मम्मी मुझे तो बढ़िया लगा, ये देखो सूखे पापड़ सूखे पापड़। और ये तो अपना एंजॉय कर रही है, देखो इन्हें तो ली थी इसने। हाँ सिर में दर्द है लेकिन मान नहीं रही बिल्कुल, पैर भी। आरुषि कैसा लगा जूस? बढ़िया बढ़िया। चलो बच्चों की खुशी भाई, सबकी खुशी। और इन्हें बढ़िया लग गया जूस, सबको पिला दिया इन्हें, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है। और चिंकी की भी तबीयत अब ठीक है, घर पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इतने। लेकिन पेन इतना इसका इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, देख के मैं जा रही थी कांप रही थी। दाल लेके आए आराम से आवागे हम तो भाई, देखो बागा दौड़ में आए वहाँ से चिंकी की वजह से, क्योंकि चिंकी की हालत ऐसी हो रही थी एकदम से, पता नहीं क्या हो रहा कल से, कैसा दर्द हो रहा। तो गाइज हम लोग घर पहुँच गए हैं, ये देखो। और बच्चे जब खिल खिल आ जाएंगे पूरे, ये देखो मुझे सुन रही सुन रही। अच्छा पिताजी कहाँ गए? ठीक है हाँ, नमस्ते तो कर लो। माँ नमस्ते, ताई नमस्ते। कपड़े चेंज करके रात मिलेगी बेचा, चेंज करके। हाँ चलो भाई लौट गई अंदर।